ये नॉर्मल सा ब्लेड है क्या? हाँ, ये नॉर्मल ब्लेड एक, ये एक नॉर्मल सा ब्लेड और ये जो पिन है ना, ये पिन के थ्रू। ओके, तो गाइस आप लोग पबजी खेलते हो, गेम के अंदर AWM गन का नाम तो जरूर सुना है। तो यहाँ पर जो है AWM एक बना के रेडी कर दिया गया, मतलब एक पेंसिल के अंदर जो है। सो गाइस आज का वेदर देख रहे हो कितना ज्यादा फॉगी फॉगी सा होके रखा है, और मैं हूँ अपने बिल्कुल घर के सामने, और ये रहा अपना टार्जन। सो गाइस आज के इस वाले वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हमारे असम के अंदर जो है कितने सारे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं, मतलब ऐसे इम्पॉसिबल सा चीज करके दिखा रहे ना, मतलब ये बाहर कहीं पर देखने को मिलता। मैं तो भाई फर्स्ट टाइम देखा, और ये वीडियो मैं डिम्पू भाई के वीडियो में देखा था, तो देख के मैंने सोच लिया कि भाई डिम्पू भाई ने तो SMS में वीडियो बनाया, वो असम के लोगों तक पहुंचा, लेकिन मेरा चैनल जैसे कि में आप लोगों को पता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा ये जो असम का टैलेंट जो है ना, ये इंडिया में हर जगह देखे। तो उसी मोटिव के साथ आज मैं ये वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ। तो फिलहाल अभी जो टाइम हो रहा है, अभी हो रहा है 12, तो यहाँ से मैं अभी निकल रहा हूँ, एंड मैं जहाँ पर जा रहा हूँ वो है यहाँ से 15 या 20 किलोमीटर के आसपास, ज्यादा दूर नहीं है। जब मैंने फर्स्ट टाइम वो वीडियो में देखा था ना, मैं पूरा शॉक रह गया कि भाई कैसे पॉसिबल हो सकता है ये चीज। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके मैं सीधा लेके चलता हूँ आप लोगों को वहां पर, और मैं दिखाता हूँ कि हमारे असम के अंदर भी जो है क्या क्या टैलेंट छुपा पड़ा है। ओके, तो बहुत दिन के बाद जो है गुवाहाटी में आज हम व्लॉग बना रहे। ओके, सो व्हाट्सअप गाइस कैसे हो, होप यू ऑल आर एक्सट्रीमली वेल। एंड यहाँ से मेरे को लग जाएगा कम से कम 40 या एक घंटा लग जाएगा मेरे को। सो गाइस यहाँ से मैं सीधा जा रहा हूँ इधर राजगढ़ वाले रोड होके, और मेरे हाथ में ना गाइस 1 रुपए भी कैश नहीं है, तो मैं अभी ATM ढूंढ रहा हूँ, वहाँ से थोड़ा बहुत जो है मैं कैश अपने हाथ में ले लेता हूँ। चलो यहाँ पर एक ATM दिख रही हूँ, यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ कैश। फिलहाल मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा राइट टर्न, कॉमर्स होके मेरे को घूम के जाना पड़ेगा। एंड गाइस पहले जैसे कि हर संडे हमारा संडे राइड हुआ करता था ना, आजकल यार होता ही नहीं है, मतलब वैसा वो पहले जैसा प्लान अभी और कुछ बनता नहीं है संडे के दिन। और मे बी 26 जनवरी को जो है कोई राइड हम लोग प्लान करने वाले हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। एंड यहाँ से मेरे को और 9 किलोमीटर जाना है, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे जाके। सो गाइस मैं जो है आके पहुंच चुका था यहाँ पर, तो आपका नाम? सेवाली कलिता। अभी जो है गाइस मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे मतलब अनबिलीवेबल कुछ कुछ चीजें दिखाने वाला हूँ, जो कि ना आप अपने आँख से भी नहीं देख सकते। मैं अपने साथ DSLR लेके आया था, समझ सकते हो, मैं DSLR का यूज मैं व्लॉग्स में कभी नहीं करता हूँ, लेकिन आज मुझे लेके आना पड़ा, बिकॉज ये चीज आप लोगों को मैं ऐसे GoPro से या फिर फोन के कैमरा से मैं नहीं दिखा सकता। तो फिलहाल जो है अखेवाली ना, ये चीज आप कब से कर रहे हो? पिछले साल से, लास्ट ईयर से जब कोरोना में लॉकडाउन दिया था ना। अच्छा। तो फिलहाल गाइस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक एक आर्ट। यहाँ पर सबसे पहला एक्चुअली ये मतलब है क्या जिससे आपने बनाई? ये है ट्रेन, है ट्रेन। ये पेंसिल का, हाँ, वो पेंसिल का अंदर का लीड है ये। अच्छा, ब्लैक कलर का, हाँ। ब्लैक कलर का जो लीड जो होता है ना, हाँ। उसको मतलब ब्लेड के थ्रू, हाँ, ब्लेड और पिन, ब्लेड और पिन। मैं दिखाता हूँ किस चीज से ये बनाता है। तो यहाँ पर ये जो है ना गाइस, मैंने DSLR से शॉट्स ऑलरेडी ले लिया, यहाँ से तो आप लोग ऐसे नहीं देख सकते कि ये चीज़ है क्या। तो ये देखो मैं यहाँ से कैमरा में जूम करके दिखा रहा हूँ DSLR से, तो कुछ इस तरीके का जो है एक ट्रेन यहाँ पर पूरा, मतलब ये कितना टाइम लगा था बनाने में? ये बनाने के लिए 10 दिन लगा, मतलब 10 दिन, मतलब एक घंटा करके 10 दिन दिया है। एक घंटा करके डेली 10 दिनों में बनके ये रेडी हो चुका है, लेकिन जो मतलब एक्यूरेशन जो है ना और डिटेलिंग जो है बहुत अच्छे से, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि ये ब्लेड और पिन के सहारे इसको बनाया गया है, इतना ज्यादा एक्यूरेट लग रहा है ये देखने में, और डिटेल पूरा मतलब पूरा डिटेल में बनाया गया है। और नेक्स्ट ये की है। ओके, तो ये है एक की गाइस, मैं ये भी जूम करके दिखा देता हूँ, इससे तो इम्पॉसिबल है ये चीज, आप एकदम मैं आप सामने भी लेके जाऊंगा ना, फिर भी आप लोग इसको नहीं देख सकते। ये 2 की बनाया गया यहाँ पर, और कितना मतलब आंखों से अच्छे से दिख रहा है, लेकिन कैमरा यहाँ पर अच्छे से नहीं दिखेगा, लेकिन भाई क्या डिटेल में ये भी बनाया गया है, मतलब 2 की यहाँ पर बनाया गया है। तो जिस चीज़ से बनाते हैं ना एकदम सिंपल, कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ सामान नहीं है। मतलब क्या चीज़ से बनाते हैं आप जो? ये नॉर्मल सा ब्लेड है क्या? हाँ, ये नॉर्मल ब्लेड एक, ये एक नॉर्मल सा ब्लेड और ये जो पिन है ना, ये पिन के थ्रू, और साथ में ये वाला, ये इसको सर्जिकल ब्लेड बोलते हैं शायद, है ना, तो ये एक सर्जिकल ब्लेड, इसके थ्रू जो है ये सब मतलब बना के रेडी किया है। और साथ ही साथ और क्या क्या बनाया आपने? ये है फॉरेस्ट। ओके, तो गाइज ये है एक फॉरेस्ट, पूरा मतलब एक पेंसिल के अंदर जो है पूरा का पूरा एक फॉरेस्ट ही बना दिया गया। मैं तो यहाँ से नहीं दिखाऊंगा, DSLR से आप लोग देख लो। तो यहाँ पर एक पूरा का पूरा फॉरेस्ट यहाँ पर बना के रेडी कर दिया गया यहाँ पर। और ये है AWM,
ओके तो गाइस आप लोग पबजी खेलते हो, गेम के अंदर AWM गन का नाम तो ज़रूर सुना है। तो यहाँ पर जो है AWM एक बना के रेडी कर दिया गया, मतलब एक पेंसिल के अंदर जो है पूरा ब्लेड और पिन के सहारे जो है पूरा, मतलब एकोरेशन देख रहे हो कितना कमाल का लग रहा है देखने, मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये हाथ से बनाया गया है भाई, मानना पड़ेगा ये है हमारे आसाम का टैलेंट। और एक वो जो चौक के ऊपर जो बना था ये शिव गॉड है। हाँ। ये देखो गाइस ये चौक के ऊपर जो है एक पूरा भोलेनाथ का पूरा एक स्टैचू बना के रेडी कर दिया गया भाई, क्या ही कमाल लग रहा है सच में। ये जब आप जब ये जब बनाते हो तब मतलब कभी कभी ये टूट वूट नहीं जाता है? हाँ, कभी कभी टूटता है ना, फिर नया करके बनाना पड़ता है। हाँ ये वाला ना। ओके गाइस तो दिम्पू भाई ने जो यहाँ पर व्लॉग बना के गया था ना, तो दिम्पू भाई के लिए ये बना के रेडी किया था दिम्पू बोरुआ करके, ये वाला आप लोग देख सकते हो डिम्पू बोरा ऐसे करके पूरा, ये भी पेंसिल से बनाया था। हाँ, कलर क्या है इसके ऊपर क्या? कलर पेंसिल। अच्छा कलर पेंसिल के ऊपर ये बनाया गया था, ये पूरा का पूरा एक नाम देखो हॉर्स। और गाइज ये देखो मतलब इससे तो दिखेगा ही नहीं, एक हॉर्स भी यहाँ पर बनाया गया है, मतलब इतना एकोरेशन से ये डिटेल में बनाया गया है ना, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि ये एक्चुअली हाथ से बनाया गया है। ये कुत्ता है, आम बाटी लेके बैठा है आगे में बाटी है। ओके ओके ओके, एक कुत्ता है जो कि सामने कटोरा लेके बैठा है, बस एक कुत्ता। तो क्या कमाल का लग रहा है ये चीज़। और जैसे कि मैंने ये चीज़ दिखा ना कि ये जो दिम्पू भाई का नाम लिखा है इसमें दिम्पू बोरुआ करके, अगर आप लोग भी ऐसा चाहते हो कि ऐसे आप लोग नाम वाम लिखाना चाहते हो अपना नाम, या फिर आप किसी का भी नाम लिखा के गिफ्ट भी कर सकते हो, तो इनसे आप मतलब कांटेक्ट भी कर सकते हो, है ना। तो नीचे जो है मैं गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं इनका नंबर दे दूंगा, अगर आपको ऐसे अगर आप लोगों को कुछ नाम लिखा के किसी को गिफ्ट करना है, या फिर नाम ही नहीं ऐसे स्टैचूज़ वगैरह आप बनाना चाहते हो, तो इनसे आप ऑर्डर करके भी बना सकते हो, आपके वहाँ तक भेज दिया जाएगा। एंड गाइस ये है हमारा दुर्गा माता जी, देख रहे हो सर है और पीछे ये कागज का पीछे ये कागज से जो है एक मुकुट लगा दिया गया है, कितना कमाल लग रहा है देखो ये वाला चीज भी, ढेर सारा चीजें। तो गाइस आप लोगों ने देख लिया, तो मैंने जब इनका वीडियो फर्स्ट देखा था मेरे को ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि भाई हाथ से कैसे बनाया जा सकता है, लेकिन मतलब सामने से जब देखा ना तो मैं एकदम वो हो गया। असम में भी इतना मतलब अच्छा अच्छा टैलेंट रहता है गाइस, अगर आप लोग इनको सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे जो है नीचे मैंने इनका नंबर दे दिया है, आप लोग जरूर से इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इनका जो है एक यूट्यूब चैनल भी है, अगर आप लोग चेकआउट करना चाहते हो तो नीचे जो है मैं इनका यूट्यूब चैनल का लिंक भी दे दूंगा, और साथ ही साथ इनका इंस्टा आईडी भी जो है, फोटोज वगैरह उसमें अपलोडेड होता है क्या? ये सब मतलब ये सब जो बनाते हैं ना इनका फोटोज वगैरह वहाँ पर अपलोडेड है, जाके आप लोग वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं नीचे इंस्टाग्राम का आईडी भी दे दूंगा, साथ में यूट्यूब का चैनल भी मैं नीचे लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पर सारा चीज़ें है मतलब जो जो इनका मतलब यहाँ पर बनाया हुआ ऑलरेडी। तो गाइस सारा चीज़ें तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, अभी जो वीडियो को एंड करने से पहले एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ एक्चुअली ये बनाता कैसा है, एक छोटा सा वीडियो जो है आप लोग यहाँ पर देख लो। You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I've been waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. तो गाइस मैं तो आके पहुंच चुका था घर, एंड आप लोगों को ये वाला वीडियो कैसा लगा जरूर से नीचे कमेंट करके बताना, एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है मेरे लिए नहीं खेवाली के लिए। एंड गाइस आप लोगों के आसपास भी अगर ऐसा कुछ आप लोगों को टैलेंट दिखे आप लोगों के आसपास में, नॉट ओनली असम इंडिया में कहीं पर भी हो, तो कोई उसको मीडिया वगैरह कवर नहीं कर रहा, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैसेज मत करना, वो पर्टिकुलर चीज जो है उसका फोटो या वीडियो लेके मेरे को इंस्टाग्राम पे मेंशन कर देना, बिकॉज मैसेजेस बहुत सारा आता है मैं देख नहीं पाता हूँ, ठीक है? तो मेंशन कर देना मेरे को इंस्टाग्राम पर। एंड इससे पहले मैंने और एक वीडियो बनाया था जो कि है ADN गेमिंग YT, जो कि टंग से गेम प्ले करता था ना, मतलब अपने जीव के सहारे ऐसे पबजी प्ले करता था, तो ऐसे ही टैलेंट को जो है मेरे को सपोर्ट करना अच्छा लगता है। और आप लोगों के आसपास भी अगर ऐसा कोई टैलेंट दिखे तो आप लोग सीधा मेरे को इंस्टाग्राम पे जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नॉट ओनली असम इंडिया में कहीं पर भी हो आप लोग मेरे से कॉन्टेक्ट करना, अपना भाई जो है सीधा चला जाएगा वहाँ पर वीडियो बनाने के लिए। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते, आई होप आप लोग आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड एज ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ, मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, एंड ऑलवेज राइड सेफ। फिलहाल के लिए अभी जा रहे एक अच्छा सा हेयर कट करने के लिए, भाई को भी अच्छा दिखना है ना। चलो मिलता है अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।